नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर दिन बुधवार। खबरों की बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में 41 शिक्षक होंगे सम्मानित। बाढ़ से बचने के लिए प्रदेश की सभी नदियों का हो रहा सर्वे, जाने सरकार की क्या है योजना। अनोखे बिजनेस आइडिया लेकर आने वालों को सरकार 0% ब्याज पर दे रही 10 लाख रुपए। प्रदेश के अपने सरकारी कामों के लिए होगी ई निबंधन की व्यवस्था। गैंग्स ऑफ बासेपुर की जैसे रिलीज होगी बिहार पर आधारित बादशाह ऑफ बेगूसराय। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं बना पाए तो उन्हें शर्माएगी। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट के पदों पर निकाली भर्ती। IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 56 सीटों पर है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हो। पद के मुताबिक अलग अलग विषयों की मांग की गई है। उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अनोखे बिजनेस आइडिया लेकर आने वालों को सरकार 0% ब्याज पर दे रही 10 लाख रुपए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी चला रही है। इस पॉलिसी के तहत यदि आपके पास अनोखा बिजनेस का आइडिया है तो आपको 0% ब्याज पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार के सभी युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में योजना के तहत आगे बढ़ने के लिए 10 लाख रुपए का लोन 10 वर्षों के लिए 0% ब्याज पर मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदन करने के दौरान आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए आप startup.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप 1800-345-6214 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे समस्तीपुर के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो उत्तर में बागमती नदी से घिरा हुआ है। ये बिहार का वो जिला है जहां पूर्वी मध्य रेलवे के विभागीय मुख्यालय हैं। इसी जिले में विद्यापति धाम भी है जिसे लोग बिहार का देवघर कहते हैं। इस जिले में घूमने की कई जगहें हैं जहाँ अधिकतर पर्यटन स्थल धार्मिक हैं, जिसमें विद्यापति धाम, बाबा का मजार, कबीर मठ, मंगलगढ़, सिमरिया भिंडी, नरहन स्टेट, कुमार संग्रहालय आदि शामिल है। यदि आप कभी जिले में आते हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में 41 शिक्षक होंगे सम्मानित। बिहार में शिक्षक दिवस के अवसर पर 41 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में 41 शिक्षकों का चयन राजकीय शिक्षा पुरस्कार के लिए हुआ है। इन शिक्षकों की लिस्ट शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। एक लेटर के जरिए शिक्षा विभाग ने कहा है कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के मौके पर चयनित शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये आयोजन 5 सितंबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। प्रशासनिक शिक्षा के निर्देशक मिथिलेश मिश्र ने इसकी जानकारी दी। बाढ़ से बचने के लिए प्रदेश की सभी नदियों का हो रहा सर्वे, जाने सरकार की क्या है योजना। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ी योजना बना रही है। इस योजना के तहत बिहार की नदियां पर बने वियरों को छोटे छोटे बैराजों में बदलने की बात सामने आई है। इसमें प्रदेश को बाढ़ से बचाने के साथ ही सिंचाई और पेयजल की सुविधा भी मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश के कुछ वियरों का चयन किया जाएगा जहाँ जरूरत के मुताबिक बैराज बनाया जा सके। इस योजना के तहत जल संसाधन विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी नदियों पर बने वियरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्कॉलरशिप पाने के लिए 8वीं के छात्र NMMSS में करे आवेदन। शिक्षा विभाग की तरफ से नेशनल मीम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी NMMSS 2024-25 के लिए आवेदन शुरू किया गया था। यदि आप भी इसमें इच्छुक हैं तो 30 सितंबर से पहले इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको scholarship.gov.in पर जाना होगा।
इसकी योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को 8वीं का छात्र होना जरूरी है, साथ ही सरकारी और सहकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप पाने के लिए परीक्षा में पास होने वाले स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप के रूप में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। प्रदेश के अब कई सरकारी कामों के लिए होगी ई निबंधन की व्यवस्था। बिहार में 11 नए निबंधन कार्यालयों में अगले सप्ताह से ऑनलाइन निबंधन की शुरुआत ई सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक पटना में सदर निबंधन कार्यालय छोड़कर जिले के सभी 9 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन के जरिए ऑनलाइन निबंधन होगा। ये ई निबंधन जमीन फ्लैट से लेकर विवाह के निबंधन दस्तावेज भरने और ई चालान तक का काम ऑनलाइन किया जा सकेगा। निबंधन कार्यालय की जरूरत केवल गवाही यानी इकरार के लिए पड़ेगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये ई निबंधन दानापुर, बिहटा, पटना सिटी, फतुहा और जहानाबाद में शुरू की गई थी, लेकिन विभाग के मुताबिक अब सभी जिलों में चरणवार तरीके से ई सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन निबंधन का काम शुरू होगा। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे को मिला सारण के अतिरिक्त डीआईजी का प्रभार। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे को डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार सारण जिले में सौंपा गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। अतिरिक्त प्रभार मिलते ही शिवदीप लांडे छपरा पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी छपरा डॉक्टर आशीष के साथ काफी देर तक बातचीत की, जहां अपराध नियंत्रण पर विशेष चर्चा हुई है। सारण आते ही शिवदीप लांडे को डीआईजी ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जिला नया है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मैं कई बार छपरा आ चुका हूँ और कई कांडों का उद्भेदन भी कर चुका हूँ, लेकिन अन्य निकटवर्ती जिला सिवान और गोपालगंज नहीं गया हूँ। वहाँ भी आपराधिक स्थिति को देखना पड़ेगा। आज औरंगाबाद में हो रहा रोजगार मेले का आयोजन। आज 10वीं, 12वीं और आईटीआई डिप्लोमा पास युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला औरंगाबाद में आईटीआई बारून ब्लॉक मोड़ जीटी रोड में आयोजित होगा। इस मेले में युवाओं की नियुक्ति मशीन ऑपरेटर के 200 पदों पर होगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार कैंप में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। पटना एयरपोर्ट से जल्द शुरू हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा। नए टर्मिनल का हो रहा निर्माण। पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनाए जा रहे हैं ताकि एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो सके। उम्मीद है कि ये टर्मिनल आगामी वर्ष में बनकर तैयार हो जाए। हर साल कई बौद्ध पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जिसे देखते हुए नेपाल के साथ ही जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। 1216 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल को बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में ही शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से देरी हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि अगले वर्ष तक निर्माण कार्य पूरा हो जाए। हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, जाने क्यों? बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर चालान से बचने के लिए कई लोग सस्ते और सामान्य हेलमेट खरीद लेते हैं, लेकिन ये उपाय भी काम नहीं आता। ट्रैफिक नियमों के अनुसार केवल BIS मार्क वाला ही हेलमेट मान्य है। अगर आप बिना BIS मार्क के हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं तो भी आपका चालान हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपने हेलमेट पहन रखा है लेकिन उसकी स्ट्रिप सही से नहीं बंधी है तो आपको 2,000 रुपये तक का चालान कट सकता है। इसलिए हेलमेट खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और मार्क पर ध्यान देना जरूरी है और हेलमेट की स्ट्रिप भी ठीक से बांधना जरूरी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के जैसे रिलीज होगी बिहार पर आधारित बादशाह ऑफ बेगूसराय। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म जब रिलीज हुई थी तब ये दर्शकों के बीच काफ़ी पसंद की गई थी। इस फिल्म को पसंद करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। दरअसल गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह एक और सीरीज बादशाह ऑफ बेगूसराय रिलीज करने की तैयारी है। इसकी जानकारी बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोड्यूसर सुनील बोहरा और राइटर अखिलेश जायसवाल 12 साल बाद किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं, जिसके बाद वेब सीरीज बादशाह ऑफ बेगूसराय रिलीज करने की तैयारी है। इस सीरीज की बैकड्रॉप स्टोरी बिहार की कहानी पर होगी, जहाँ अंडरवर्ल्ड की कहानी दिखाई जाएगी, जहाँ बिहार पाब्लो एस्कोबर को दिखाया जाएगा। सीरीज गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे ही रहने की बात कही जा रही है।
राजधानी पटना में इस रूट में 2025 से मेट्रो परिचालन की है संभावना। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का निर्माण तेजी से हो रहा है, जल्द ही मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। मेट्रो निर्माण को लेकर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा था कि यदि निर्माण कार्य तेजी से चला तो 2025 तक पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। बैरिया बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक पटना में सबसे पहले मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। इसका काम लगभग पूरा किया जा चुका है। मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि मेट्रो निर्माण में जाने वाली बाधाओं को दूर कर 2025 तक इसकी शुरुआत करने की संभावना है। इस तरह से व्हाट्सएप पर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ कर सकते हैं स्टेटस शेयर। व्हाट्सएप एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जो नियमित अपडेट्स के साथ यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। यदि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के स्टेटस व्हाट्सएप पर शेयर करना पसंद करते हैं लेकिन सभी कॉन्टैक्ट्स को इसे नहीं दिखाना चाहते तो व्हाट्सएप का स्टेटस प्राइवेसी फीचर आपके लिए सहायक हो सकता है। इस फीचर के जरिए आप अपने स्टेटस प्राइवेसी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप खोलें, फिर मेनू बटन पर क्लिक करें और स्टेटस प्राइवेसी पर जाएं जहां शेयर विथ ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप चुनिंदा लोगों को स्टेटस निकाल सकते हैं। जबकि माय कॉन्टैक्ट्स एक्सपेक्ट ऑप्शन से आप उन लोगों को चुन सकते हैं जिन्हें स्टेटस ना दिखे। इस तरह से आप अपनी प्राइवेसी का ध्यान रख सकते हैं। बिहार में इतने उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए किया आवेदन। बिहार में कुल 50,246 उपभोक्ता पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए आवेदन दे चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 766 उपभोक्ताओं के परिसर में रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किया गया है। वहीं 236 उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत सब्सिडी दिया गया है। इसकी जानकारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मिली है। बैठक के दौरान बताया गया है कि राज्य में अब तक प्राप्त 50,246 आवेदनों में से 49,341 की तकनीकी व्यवहार्यता अपूर्व की जा चुकी है। साहित्यकारों के लिए खास है सितंबर का ये महीना, जाने क्यों। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना हिंदी साहित्य और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस महीने में कई प्रमुख साहित्यकारों और कलाकारों की जयंती होती है। हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसी महीने में भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर को, रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर, लता मंगेशकर 28 सितंबर और देवानंद का जन्म 26 सितंबर को हुआ था। इसके अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर, सरदार भगत सिंह 27 सितंबर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर को हुआ था। इस महीने के कुछ शोकपूर्ण तिथियों में रामवृक्ष पेनीपुरी 7 सितंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 11 सितंबर और पंडित रमा शंकर त्रिपाठी 26 सितंबर का निधन शामिल है। प्रदेश में 9 कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार ने दिया अनुदान राशि। सरकार के अनुदान राशि पर प्रदेश में 9 और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज मालिकों को काम करने का आदेश पत्र कृषि मंत्री मंगल पांडे द्वारा सौंपा गया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि आज 2 तरह के कोल्ड स्टोरेज संचालकों को अनुदान की राशि दी गई है। इसके तहत टाइप ए के अंतर्गत 4 कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए प्रति स्टोरेज 1,40,00,000 रुपये और टाइप 2 के लिए कोल्ड स्टोरेज में बिजली का भार कम करने के लिए सोलर सिस्टम लगाने के लिए कोल्ड स्टोरेज 17,50,000 की राशि 5 कोल्ड स्टोरेज को दी गई है। आज बिहार के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार में मॉनसून सुस्त देखने को मिल रही है। हालांकि आज भी कई जगहों पर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के किशनगंज, सुपौल, अररिया और पश्चिम चंपारण में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। 682 बोतल शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के तिवारी टोला गांव के पास से 682 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम मधुरेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना का रहने वाला है। फिलहाल युवक पर FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। सीएम नीतीश की बैठक में तेजस्वी यादव हुए शामिल। बीते दिन पुराने सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ये बैठक 20 मिनट तक देखने को मिली। बैठक में मानवाधिकार आयोग में खाली 2 पदों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही सूचना आयोग में 2 सदस्य के चयन को लेकर भी चर्चा की गई है।
इस बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य सरकार इसकी जानकारी देगी। दो सदस्यों पर फैसला हो गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन के सत्ता से हटने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव पुरानी सचिवालय पहुंचे थे। आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव की मांग का जदयू के विजय चौधरी ने दिया जवाब। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में आरक्षण की सीमा 65% किए जाने वाले कानून को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव इस मांग पर जदयू के विजय चौधरी का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में जब ये कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कैसे की जा सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय चौधरी ने कहा कि जब बढ़े हुए आरक्षण के कानून को पास किया गया था तब सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। सरकार इस मामले में कदम भी उठा चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि जब ये कानून फिर से बहाल हो जाएगा तो हम इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर दिया बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल जब तेजस्वी से नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया कि वे आजकल मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या कीजिएगा, संगत का असर है। हमारे साथ थे तो जातिगत गणना कराया, आरक्षण बढ़ाया, बीजेपी आरएसएस के साथ चले गए हैं तो उन्हीं के संगत में आ गए हैं। आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, अब वो चुपचाप हैं, खामोश हैं। उन्होंने कहा कि वो क्रीमी लेयर पर नहीं बोलते। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1665 में मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जयसिंह संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 1888 में गांधी जी इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा पर निकले थे। आज के दिन वर्ष 1946 में भारत में अंतरिक्ष सरकार का गठन किया गया था। आज के दिन वर्ष 2009 में गुजरात उच्च न्यायालय ने अशवंत सिंह की मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई किताब पर गुजरात में लगी प्रतिबंध को हटा दिया था। इसी समय कंपनी HCLL को मिनी रत्न कंपनी के सम्मान स्वायत्ता दी गई थी। आज के दिन वर्ष 2012 में पैरालंपिक खेलों में ग्रीस होनसंग गारा नागराज एगोरा ने भारत को पहला पदक दिलाया था। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं बना पाए तो उन्हें शर्म आएगी। हरभजन सिंह जो खुद भारतीय क्रिकेट का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं, उन्होंने हाल ही में विराट कोहली के टेस्ट करियर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा है कि अगर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं बना पाए तो उन्हें शर्म आएगी। हरभजन सिंह ने कोहली के करियर के शुरुआती दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि कैसे वेस्ट इंडीज दौरे पर फिडेल एडवर्स की तेज गेंदबाजी ने कोहली को बहुत परेशान किया था। उन्होंने ये भी साझा किया कि उस समय कोहली को अपने टेस्ट करियर पर संदेह था, लेकिन उनकी निरंतर मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस खेल में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर वायरल हो रहा है ये फर्जी NOC। कई लोगों को मोबाइल टावर लगाने के लिए एक NOC भेजा जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा कि उसे दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें कथित तौर पर मोबाइल टावर लगाने का दावा किया गया है और इसके लिए शुल्क के रूप में 2500 रुपये मांगे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग द्वारा इसे कोई NOC जारी नहीं किया गया है। इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहे। PIB फैक्ट चेक ने भी इसे फर्जी बताते हुए सावधान रहने की बात कही है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल, हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी है फिलिपींस, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है फिलिपींस। हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है सूर्य शेखर गंगुनली, ऑप्शन सी है कार्तिकेय वेक्टर रमन, ऑप्शन डी है नीलेश आर्यन। इसका सही उत्तर है कार्तिक वेक्टर रमन। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट ट्रूफर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी है मिंत्रा, ऑप्शन डी है जोमैटो। इसका सही उत्तर है अमेजॉन। सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में किसने परिवर्तित किया था? ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु हरगोविंद। इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1767, ऑप्शन डी है 1774। इसका सही उत्तर है 1764।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विनय कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजय कुमार शर्मा, विनोद सिंह, ऋतिक कुमार, अतीक खान, धीरज कुमार, रवि कुमार, मोहम्मद आरिफ शेख, मनीष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने कभी मेट्रो से सफर किया है, यदि हाँ तो किस शहर में, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।